अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। तो उसके लिए लिया है हमने बासमती राइस, ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है। इसे हमने धो लिया है और इसे कम से कम 30 मिनट के लिए सोक करके रखूँगी। एक पैन को गर्म करके डालते हैं उसमें ऑयल। ये 150 ml ऑयल है। ये एक प्याज हमने लिया है मीडियम साइज़ का, उसको बहुत ही बारीक काट लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये लिया है दो हमने मीडियम साइज़ के आलू, इस तरह से हमने काट लिया है स्लाइसेस में गोल गोल। आलू हल्के सुनहरे हो गए हैं, हमने 3-4 मिनट तक इन्हें फ्राई किया। अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब ऑयल जो बचा हुआ है इसमें से आधा ऑयल हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए आधे ऑयल को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम जब पुलाव बनाएंगे तो ऊपर से डालेंगे, तो उससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बचे हुए तेल में हम डालते हैं ये खड़े मसाले। और हाँ, इंग्रेडिएंट्स का डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये खड़े मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। हल्का सा इसे सॉटे करेंगे। मसाले चटकने लगे हैं, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये लिया है हमने दो छोटे प्याज को स्लाइस कर लिया है पतले पतले। अब इसी में डाल देना है, इन्हें फ्राई करना है। तो अब ये गुलाबी सा हो गया है, तो हम डाल देते हैं अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3-4 चम्मच पानी डाल के इसे कुक करते हैं ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। 2-3 मिनट पकाने के बाद अब डालेंगे हम पाउडर्ड मसाले। 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टमाटर इसे स्लाइसेस में काट लिए हैं। इस तरह से स्लाइसेस काटिएगा तो टमाटर जल्दी गलेंगे। डाल देते हैं इसको 2-3 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून नमक। नमक थोड़ा हमने प्याज में पहले ऐड किया था, तो अपने जायके के हिसाब से हमें डाल देना है। डालेंगे 1/2 कप पानी, ढक के पकाएंगे 3-4 मिनट। 1/4 कप दही, 1/4 कप दही भूनते वक्त हमेशा हीट को लो रखना चाहिए, वरना दही के फटने का डर रहता है। अब डाल देंगे हम सब्जियों को। सभी सब्जियों को मिला के हम इसे 2 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 900 ml, यानी कि 1 लीटर से थोड़ा सा कम। इसे ढक के बॉयल होने देते हैं, पानी बॉयल। अब हम डाल देते हैं इसमें चावल। चावल ज़रा होशियारी से डालिएगा क्योंकि पानी उबल रहा है। अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और हम नमक को टेस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि ज़्यादा है या कम है। नमक ठीक है। अब हम डाल देते हैं ये मोटी वाली मिर्चें हैं, स्लाइसेस इसके बना लिए हैं, ये ऐड कर देते हैं। ये तीखी नहीं होती है लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। साथ ही डाल देते हैं 1 तीखी वाली मिर्च को तोड़ के। चावलों में बॉयल आ चुका है, तो अब इसे हम ढकेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। पानी सूख चुका है हमारे पुलाव का। अब हम इसे चेक करते हैं चावल गले हैं कि नहीं। चावल भी लग रहा है कि गल ही चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं। अब ये जो तेल हमने निकाला था ना प्याज फ्राई करने के बाद, वो इसे हम डाल देंगे, थोड़ा बचा लेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑयल ज़्यादा है। देखिए इतना ऑयल हमने बचा लिया। अब डालेंगे हम ये फ्राइड प्याज को जो हमने निकाला था शुरू में तलने के बाद। फ्रेंड्स, ये वेजिटेबल पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है क्योंकि इसमें टेक्निक हमने बिरयानी वाली ही थोड़ी सी लगाई है। तो आप भी इसे बना के देखिएगा। थोड़े से हमने चॉप कोरिएंडर लीव्स, धनिया के पत्ती ऊपर से डाल देते हैं। अब इसे ढक करके हम 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देंगे। ये तैयार हो गया है हमारा वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत ही टेम्प्टिंग देखने ही से लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार बना है।
और चावल देखिए कितने खिले खिले हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी आपको? ये वन पॉट मील है, ज़्यादा झंझट नहीं है, मज़ेदार भी उतना ही बनता है, और अगर आप जल्दी में हैं तो उसके लिए तो लाजवाब है। बहुत जल्दी बनने वाला ये वन पॉट मील, बहुत मज़ेदार और सबको पसंद आने वाला। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। पैन गरम करके सबसे पहले डालेंगे 2-3 टेबल स्पून ऑयल, 3-4 जो है लहसुन के हैं चॉप किए हुए, 2 हरी मिर्च चॉप की हुई, ज़रा सा भूनेंगे। डालेंगे एक छोटा प्याज चॉप किया हुआ, साथ ही डाल देंगे चॉप की हुई अदरक 1 टेबल स्पून। हमने 1 से 1.5 मिनट प्याज को भुना है, और ध्यान रहे कि फ्लेम को हमें लो नहीं करना है, वरना ये सॉगी हो जाएगा, क्रंचीनेस चला जाएगा प्याज का भी और आगे जो हम सब्जियां डालेंगे उनकी भी। अब डालते हैं चॉप की हुई गाजर 2 टेबल स्पून, 3-4 बीन्स है, 2-3 छोटे मशरूम हैं, 1/2 से मटर हमने ऐड किए, डालेंगे हम चिली सॉस, ऐड करेंगे थोड़ा नमक, क्योंकि हमारे सॉसेज में भी नमक होंगे तो नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। ये थोड़े से हमने बेल पेपर लिए हैं, रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर और येलो बेल पेपर, तो तीनों को हम डाल देते हैं इसमें। अब डाल देंगे हम इसमें उबले हुए चावल, ये 2 कप चावल हैं, और बॉयल करने के लिए समझ लीजिए 80 से 100 ग्राम तक होगा कच्चे चावल का, अगर आप वज़न लीजिए तो। हम चावलों को इस पर डालते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे सोया सॉस। और दोस्तों, एक टिप मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोया सॉस को कभी भी सब्जियों के ऊपर मत डालें, जब आप चावल डाल लें तब सोया सॉस को ऊपर से डालें, वरना सब्जियों का रंग काला सा हो जाता है, वो देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। और अब हम डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर, यानी वाइट सिरका है ये, या तो आप चावलों को हल्का सा यहाँ पर टॉस करते हैं। अब यहाँ पे हम चावलों के ऊपर हल्का सा पानी का छींटा डालते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे चावलों में बहुत अच्छा सा वो फ्लफीनेस आ जाएगा, और जब हम इसे टॉस करेंगे तो बड़ा अच्छा उछाल आएगा इसमें, और हमारे मस्त सॉसेज वगैरह भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो लीजिए जनाब, ये तैयार हो गया हमारा वेजिटेबल फ्राइड राइस, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार। आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। प्लेटिंग करने से पहले डालेंगे हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, यानी कि हरी प्याज, हरे प्याज के डंठल को मिला देना है, इससे ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, आसान भी है, हेल्दी भी है, और वन पॉट मील है ये। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।